स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पाकिस्तान ने सीजवार का किया उल्लंघन, मिला करारा जवाब। पाकिस्तान ने आज तड़के एक बार फिर से अपने नापाक इरादों से अंजाम देते हुए सीजफायर का उल्लंघन किया है। इस बार पाक ने पूंछ जिले के नियंत्रण रेखा से सटे कृष्णा घाटी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की है। सेना के प्रभावी तरीके से जवाबी कार्यवाही की है। फिलहाल फायरिंग रुकी हुई है। सीमा पार से आज तड़के 6 बजे फायरिंग किए जाने की खबर मिली। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। खबर है कि अभी फायरिंग रुकी गई है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगभग एक घंटे तक भारतीय चौकियों पर फायरिंग हुई है। बता दें कि पाकिस्तान इस वक्त भारतीय सेना द्वारा पीओके में आतंकी के खिलाफ की गई कार्रवाई से बौखलाया हुआ है और इस बात का बदला लेने के लिए भारत के खिलाफ कायराना हरकत करने के बजाय बाज नहीं आ रहा है। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान ने रोकी समझौता एक्सप्रेस। हिंदुस्तान से बरकरार है समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थितियों के बीच पाकिस्तान की ओर से समझौता एक्सप्रेस का संचालन रोक दिया गया है। गुरुवार को लाहौर से चलने वाली ट्रेन को रद्द किया गया। गाड़ी हर गुरुवार को और सोमवार को लाहौर से अटारी तक आती है। हालांकि रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है कि भारत की तरफ से ट्रेन का संचालन किसी भी प्रकार से नहीं रोका गया है। इस बाबत आगे कोई दिशा निर्देश जारी होगा तो हम उसका पालन करेंगे। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव।